इज वर्दा शुएब एंड वेलकम टू रिवायतों की लज्जत। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, खूब मजे में होंगे, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज को जो है वो इतना एंजॉय कर रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है आपके इतने अच्छे फीडबैक से। और इतनी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, इतनी ढेरों रिक्वेस्टें जमा हो गई हैं कि आप फलानी कम्युनिटी का बताएं, आप बोरी कम्युनिटी का बताएं, मेमन के कुछ लोगों ने खाउसे की भी फरमाइश की है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने शो में जो है स्लोली ग्रेजुअली इंक्लूड करेंगे। लेकिन आज का शो स्पेशल है आपकी फरमाइश पे, क्योंकि बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि हमें आप सिंध की स्पेशलिटी बनाना सिखाएं। तो सिंध की तो वैसे बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, बहुत सी सब्ज़ियाँ फेमस हैं, जैसे कि भे की सब्ज़ी है, पल्ली है, और कढ़ाइयाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की जो हम बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन शायद कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, नावाकिफ हैं, या हम बनाना चाहते हैं लेकिन है शायद हमें रेसिपी अच्छी नहीं मिलती, जो हम घर में बना नहीं सकते। तो इसीलिए हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज बुलाया है ऐसे एक्सपर्ट जो हमारे शेफ़ हैं, जो कि सिंधी खानों के जो हैं वो जान है, उनकी पहचान बन गई है, और उनका ख़ुद का ताल्लुक भी सिंध से है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेस्टोरेंट आज रन कर रहे हैं यहाँ पे, कि जहाँ पे जाके बस आपका दिल चाहता है कि वाह क्या कल्चर है, बहुत दिल के करीब है। तो आइए इनवाइट करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर शेफ जमाली साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत मजे में। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जी। जब सिंध का नाम आता है, सिंध की स्पेशलिटी का नाम आता है, तो वहाँ पे हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो पहचान है हमारे सिंधी खानों की। बिल्कुल वर्दा, ऐसी है कि सिंध के खाने जो है बहुत ही मशहूर, और एक तो आप बताओ आज हम स्टार्ट जो करेंगे ना, हम करेंगे शिकारपुर से। ओहो, हम शिकारपुर से अगर शिकारपुर से हम चले बहुत लाड़काना, फिर खैरपुर, फिर नवाबशाह, फिर बदीन, फिर मीरपुर, हैदराबाद, हर शहर की अपनी अपनी वैरायटी होती है, उसकी अपनी सौगात होती है। जैसे मैं नवाबशाह का हूँ, वहाँ की थादल बड़ी मशहूर है। हाँ थादल, ये गर्मियों उसमें बहुत पी जाती है, थादल गर्मियों में थादल बहुत पी जाती है, और कहते हैं इतनी ठंडी होती है कि आपको हीट स्ट्रोक से आपको जो है बचाती है, कि नवाबशाह बहुत गर्म इलाका है। आप दादू चले जाएं, बहुत गर्मी है, लेकिन दादू का माओ जो है मेहड़ का माओ बड़ा मशहूर है। अच्छा, घोटकी चले जाएं, घोटकी के पेड़े बड़े मशहूर, घोटकी के पेड़े बड़े फेमस हैं। हैदराबाद जाएंगे, रबड़ी बड़ी मशहूर, रबड़ी बड़ी मशहूर। तो दरिया पे जाएं सिंध, जैसे कोटड़ी है, जामशोर है, वहाँ पल्ला बड़ा मशहूर है, आपको पता है। तो हर जगह हर तरह की जो है रेसिपीज इस तरह से ही फेमस है। तो आज आप हमें, एक तो आपने बताया कि आप हमारे शिकारपुर से शुरू कर रहे हैं, तो शिकारपुर की क्या बनाना चाहिए? बल्कि आज हम आपको शिकारपुर लेकर चलते हैं। चलिए जी, चलते हैं। चलो चलते हैं शिकारपुर। शिकारपुर की आज बना रहे हैं हम कढ़ाई, बहुत ही मजेदार किस्म की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी घर में जरूर ट्राई करेंगे। और शिकारपुर का आचार तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन आज मैं कढ़ाई बना रहा हूँ, और वर्दा नाज़रीन तो बनाएंगे, लेकिन आप भी जरूर ये ट्राई करना। मैं आपके साथ सीख रही हूँ, बल्कि आप यहाँ पे आ जाएं सर जी, और अपनी जगह ले लीजिए, संभाल लें आप ये, और स्टार्ट करें बनाएं शिकारपुरी कढ़ाई। शिकारपुरी कढ़ाई के साथ हम कुछ और भी बनाएंगे जी, आज बना रहे बुसरी। ये क्या है बुसरी? मीठी रोटी गुड़ वाली, इसमें मक्खन और गुड़ होता है इसके अंदर, और ये भी बड़ी, एक तो सुबह, ये सुबह नाश्ता जो होता है, ये तमाम जो गांव देहात में लोग रहते हैं उनको पता है कि बुसरी बड़ी मशहूर है वहाँ की, और मैंने यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में भी रखा हुआ है। अच्छा, जबरदस्त बुसरी। इसमें गुड़ के चावल बनते हैं, पीहू बनती है, और काफी सारी चीजें बनती हैं। आप तो मुंह में पानी लाए चले जा रहे हैं, ऐसे मजे मजे के नाम ले अच्छा, रहे हैं। मसाले जो हैं, और तो मेरे ख्याल मसाले के बारे में बताइए जी, जी बेहतर है। चिकन जो है हमारे पास हाफ के जी है, हाफ के जी हम साथ साथ बनाते रहेंगे। अदरक लहसुन देते हैं, अदरक लहसुन आपके पास ये रहा, ये लीजिए। अच्छा, आपने ऑयल कितना लिया है? हम बना रहे हैं शिकारपुरी कढ़ाई, ये 200 ग्राम तक ऑयल है इसमें, ज्यादा अच्छा नहीं जी। और सबसे पहले हम जो इसमें डालेंगे वो है चिकन। चिकन को हल्का सा उसको भूनेंगे, इसका जो ब्लड जो है उसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, उसके बाद बाकी चीजें इसमें ऐड करेंगे। ये चिकन कितनी ली है आपने? ये हाफ के जी है, हाफ के जी चिकन है, लेकिन इसकी बोटी जो है छोटी छोटी करनी है, क्योंकि ये बड़ी बोटी इसके लिए नहीं करनी, क्योंकि कोरमा जैसे कोरमा होता है उसमें बड़ी बोटी होती है, लेकिन चिकन के अंदर ये छोटी छोटी बोटी होती है इसके अंदर। हल्का सा उसको हम फ्राई करेंगे। सही, अच्छा कढ़ाई के लिए हमने वाकई बहुत छोटी छोटी बोटियां जो है वो ली हैं, राइट? सही, तो ये हल्का सा कवर कर देंगे, फिर जल्दी से थोड़ा ये पक जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इसका। तो बुसरी के लिए हम, हमारे पास जो है गुड़ भी मौजूद है, मक्खन भी है, और पेड़े बना के पहले मैंने रखे हुए। अच्छा, ये बुसरी में मक्खन क्यों कहा जाता है? जैसे कि मैंने आप पढ़ा था, तो आपने आपके रेस्टोरेंट के एक मेन्यू में है, उसमें मेंशन है बुसरी में मक्खन। मक्खन असल में मैंने उसको थोड़ा टिपिकल उसको नाम दिया है। अच्छा। तो लोग पढ़ते ही थोड़ा उनको पता लगे कि इस मक्खन में साग। हाँ, ऐसे ही मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ दरबारी चिकन, बहुत सारे चीजों के नाम है। क्या बात है आपके, अच्छा देसी खानों के आपने फुल ट्रिक यूज करी है आपने, राइट? थैंक यू। इसको
हल्का इसको हम फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका जो ब्लट है थोड़ा खुश्क हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद अदरक लहसुन डालेंगे। ये घर में ज़रूर आप ट्राई करें नाज़रीन, ये मज़ेदार किस्म की जो आज शिकारपुरी कढ़ाई बन रही है। शिकारपुर का अचार तो आपने खाया होगा, शिकारपुर का अचार बहुत है, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो अभी इसके अंदर अदरक और लहसुन मिक्स है, ये तकरीबन ये हमारे पास टीस्पून से भी छोटा स्पून नहीं, 1 टेबलस्पून आपने मक्खन हाँ। लिया है ये, सही मक्खनी, ये वो अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट है आपने। तो अच्छी इसकी बुनाई करेंगे, और साथ में हम इसको जो टमाटर है तकरीबन 1 पाव टमाटर है, और इसके अंदर जो है मैंने इसके टमाटर के 4 पीस किए, अब इसमें शामिल करेंगे। तो टमाटर आपने साबुत रखे हैं बड़े बड़े, और 4 पीस करके डायरेक्ट आपने जो है वो कढ़ाई में लहसुन अदरक डालने के बाद डाल दिए। तो हल्का सा इसको पकाएंगे इसमें। अच्छा, अभी ये टमाटर भी आशा से ये सॉफ्ट हो रहे हैं, तो साथ साथ में जो इसको और मसाले इसमें ऐड कर देंगे। सही। तो सबसे पहले मुझे आप ये दे दीजिए, ये मेथी दाना। सही। ये मेथी दाना इसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून समझ लें। अच्छा, 1 टीस्पून मेथी दाना जाएगा इसमें, ठीक है। ये क्रश चिली है ब्लैक, ये डालेंगे हम लोग। काली मिर्च जो है 1 चम्मच ये डालेंगे, और मिर्ची भी इसमें डालनी है हमें। रेड चिली पाउडर वो भी तकरीबन 1 टीस्पून ये भी इसमें है, और सफ़ेद ज़ीरा ये भी। ज़ीरा पाउडर है आपके पास ना? ये क्रश किया हुआ दी। अच्छा, भून के क्रश किया है? भून के क्रश किया हुआ, ठीक है। ये इसमें डाला हमने, और ये है हल्दी, ये है तकरीबन, ये भी 1/2 टीस्पून बल्कि ये इसमें डाली मैंने। ये है, ये सौंफ है, बहुत तेज खुशबू आ रही है इसकी। ये सौंफ जो है, सौंफ है 1 टीस्पून भर के, और ये धनिया जो है ये भी क्रश किया हुआ है पाउडर। अच्छा, में ये भी आपने धनिया भून के क्रश किया है? ये भून के। सही। अच्छा, ये 2 है, 2 टीस्पून है ये 2 है, और नमक जो है ये है हसबे जरूरत, जितना आपको चाहिए। कोशिश करें नमक कम खाएं, तो नमक बाद में डाल सकते हैं, लेकिन जो पहले डर गया फिर जो है वो कम करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल रहता है, लोग बहुत टोट के बताते हैं, लेकिन ये सब ऐसे ही है। लेकिन हकीकत बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं ये बात करता हूँ वो बिल्कुल ऐसी करनी चाहिए, अगर खड़ी बात करनी चाहिए, खड़ी बात। अगर नमक ज़्यादा भी हो जाए तो उसकी जो है ना आप ग्रेवी कम करके निकाल दें, थोड़ा पानी ऐड कर दें, थोड़े और मसाले थोड़े डाल दें, नमक खुद ही कम हो जाएगा, बाकी कोई इलाज नहीं है इसका। सही है, ये तरीके सही। अच्छा देखिए, आप भी टमाटर आप को भी, जो है आप भी शेफ हैं, मुझे पता है कि आप भी शेफ हैं, मैं आपकी प्रोग्राम देखता हूँ। तो, अच्छा जी, तो और कोई है इसका हल? नहीं, जैसे कि एक दो हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि अगर हम ये वाला आटे वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये होता भी है, मैं अक्सर ट्राई, जिन लोगों को मैंने कहा है ट्राई करने के लिए वो करते भी हैं, कि कभी नमक आपका अगर तेज़ हो जाए तो आप आटा जो है वो हल्का सा उसका भून के, बगैर नमक के आप थोड़ी देर उसमें डाल के थोड़ा सा शोरबा करके डाल दें। हाँ, भुनी हुई चीज़ों में जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल है, लेकिन अगर हाँ आपके शोरबे वाला सालन है उसमें जो है वो इजीली नमक मिर्च जो है वो बैलेंस हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है नमक ना, बस वो ज्यादा नहीं होता, लेकिन बस ये है टोट के हैं, लेकिन वो इतने वो नहीं है। कुछ तो हल होना चाहिए, गलती तो हर किससे भी हो जाती है। लेकिन मैंने तो सीधे सीधा बता दिया कि ग्रेवी कम कर दो, नमक कम हो जाएगा, थोड़ा पानी ऐड कर दो, बाकी मसाले थोड़े डाल दो, बैलेंस हो जाएगा। सही जी। अच्छा, अब क्या रह गया इसमें? अच्छा, क्रीम भी जाएगी इसमें। अच्छा, इसमें मलाई डालेंगे हम, थोड़ी दही है और वो भी डालेंगे, हरी मिर्च है तकरीबन 3 अदद, वो अभी से। अच्छा, वो साबुत आपने डाल दी है इसमें, और अभी हम इसको पकने देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। सही, चलें जी, जब तक चिकन जो है वो गल रही है, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाना नहीं है आपने, क्योंकि आज बन रहा है शिकारपुरी कढ़ाई। तो देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और आज रिवायतों की लज्जत में बन रही है शिकारपुरी कढ़ाई और बुसरी में मक्खन। सही जी, मक्खन में बुसरी या बुसरी में मक्खन? बात मक्खन में बुसरी, बुसरी में मक्खन एक ही बात है। बुसरी बेसिकली रोटी को कहा जाता है शायद, गुड़ की, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब हमें करना क्या है इसको? ये बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है, इसके अंदर कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अच्छा, टमाटर भी देखिए बिल्कुल गल गए, सॉफ्ट हो गए, टमाटर भी गल गए हैं और ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया,
अभी करना क्या है, इसमें दही जो है तकरीबन 2 चम्मच इसमें दही इसमें ऐड कर दीजिए, और जब दही डाले थोड़ा सा आँच को तेज़ कर दो तो अच्छे तरीके से गल जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से टमाटर को, ये गल गए हैं और बहुत ही मज़े की है। और ये आप नान के साथ भी खा सकते हैं, और हम सिंधी में बोलते हैं मानी, मानी जो वो मज़े की बनती है, मानी के साथ भी खा सकते हैं। मानी क्या होता है आप पहले ये बताएं। मानी रोटी होती है, हाथ जो चक्की की आटे की रोटी बनती है। अच्छा अच्छा, बहुत मजे की बनती है। और चक्की के नॉर्मल आटे से नॉर्मल रोटी चपाती होती है, चपाती अलग चीज होती है। अच्छा, मानी जो होती है वो मतलब थोड़ी सी थिक होती है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि फर्क क्या होता है, जैसे आपने मानी कहा तो वो थोड़ी मोटी बनती है, थोड़ी सी मोटी, चपाती से मोटी है, चपाती से मोटी होती है। अच्छा, अब इसमें हम आखिर जो हम इसको बोलते हैं मलाई या क्रीम, आप इसमें डालें 2 चम्मच है ये छोटे, अब इसमें शामिल कर दीजिए, मिक्स कर देंगे। बिल्कुल ये शिकारपुर की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। कलर देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई जो है वो तैयार है। खुशबू भी बिल्कुल ऐसी लग रही है, अब आचार जो है, आचार खाने की जरूरत ही नहीं है जब आप कढ़ाई में, जरूरत ही नहीं है कढ़ाई में ही वो फ्लेवर आ रहा है तो जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने ब्रेक में कलौंजी भी ऐड करी थी। हाँ कलौंजी बिल्कुल, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम, ज्यादा नहीं, क्योंकि कलौंजी वैसे कलौंजी तो खाना भी चाहिए, कलौंजी तो वैसे भी खानों में हम डाल सकते हैं, बहुत फायदेमंद है कलौंजी। ये तो हो गई कम्प्लीट, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। चूल्हा आपने बंद कर दिया है अभी? चूल्हा मैंने बंद कर दिया, डिश बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बनाएंगे बुसरी। अब बुसरी बनाएंगे, बुसरी के लिए हमें चूल्हे को फिलहाल तो तवा जब तक गर्म हो, तो मेरे पास पेड़े पड़े हुए हैं 2, और गुड़ भी है, गुड़ को मैंने कूट के रखा है बिल्कुल भारी। ये आपने नॉर्मल जैसे आटा गूंदना चाहता है वैसे ही आटा लिया है, वैसे ही 2 पेड़े लिए आपने ना? हाँ, इसमें 2 पेड़े लिए हैं, 2 रोटियां बनेगी इसके अलग अलग। इसको बेल लें अच्छे तरीके से, असल में होता है वो हम इसको बोलते हैं वो तख्ती, चकला उसको बोलते हैं, चकला वो जो होता है गोल सा होता है और उसके अंदर जो है अच्छी बनती है। बहरहाल कोशिश करता हूँ इसमें बन जाए। आप इसको चकला समझ के काम कर लें। हाँ यही है। अच्छा मुझे आप बताइए जमाली साहब कि एक तो आप वैसे ही माशाल्लाह आप बाकी चीज़ें भी आप एक्सपर्ट हैं, बाकी खाने भी आप बनाना जानते हैं, लेकिन आपने जो रेसिपीज़ हैं ये कोई आपने अपने फैमिली से अडॉप्ट की हैं या फिर आपने सीखी हैं या खुद से आपने ट्राई किया है खा के पी के, या खुद टेस्ट डेवलप किया है अपना या सीखी हुई हैं आपने अपनी फैमिली में? अब सही बात अगर पूछ रही है मुझे आप, तो आपको बिल्कुल मैं बताऊँगा कि ये मैंने PTV से ही सीखा है। अच्छा जी। अरे मैं PTV के मेरा प्रोग्राम चलता है सिंध जो स्वाद, ये मक्खन यार। अच्छा, तो इतनी रेसिपी मेरे पास जमा होगी तो मैंने सोचा क्या करूँगी इसका, तो मैं कोशिश की कि सिंधी खानों पे एक किताब होनी चाहिए। अरे वाह जबरदस्त, तो सिंधी खानों पे आपने उस वक्त रिसर्च शुरू कर दी। हाँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे से लोग यहाँ पे मेरे साथ थे। अच्छा, एक रोटी बन गई है, तो वैसे तो अलहमदिल्ला मुझे सारे इटालियन या अमेरिकन स्टेक वेस्टेक ये सब कुछ आता है, लेकिन अभी पहचान बन चुकी है तो मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यू करो। हाँ अच्छा, वैसे एक आपकी वाकई पहचान जो है वो इसी चीज़ में ही बन गई कि हम आपको जो है सिंध के खाने जो है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अल्लाह का कर्म है ये भी, इसलिए जो मैं कोट में सिला चलो। हाँ, आपने अजरक के साथ जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। अच्छा ये बलाल। अच्छा जी, रोटी जो है वो 2 बन गई है, 2 अलग अलग रोटी बनानी है हमें नॉर्मल। बिल्कुल, अभी करना क्या है इसमें गुड़ जो है बीच में डालना है। अच्छा, गुड़ को जो है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लिया है, कूट लिया है, राइट? क्रश किया हुआ, बिल्कुल क्रश किया हुआ है, और वो फैला देंगे आप इस पर। ये डिपेंड करता है आपको कितना गुड़ खाना है, उसी हिसाब से आप डालें, मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो अच्छा, मिठास की वजह से भी, मिठास के साथ काफ़ी लोग कम खाते, काफ़ी लोग ज़्यादा खाते हैं, उसी हिसाब से ये हो गया। अब दूसरी रोटी जो है इसके ऊपर रख दें, ठीक है? लगी चारों तरफ उसको बंद किया, उसको बंद कर दिया, ठीक है? ये इस तरह होगी, इसमें ऑयल हल्का सा इसको ग्लिस करना पड़ेगा, चलो काफ़ी है। ये नॉन स्टिक है, इसमें वो तो ज़्यादा वैसे ज़रूरत भी नहीं है ना ऑयल की, तो आराम से। अच्छा, बहुत हल्के हाथ से, बहुत एहतियात से रखें से। इसको अच्छा, रोटी बनाते हैं, इसकी रोटी पतली नहीं बनानी है, थोड़ी सी थिक रोटी बनानी है, ताकि वो जब आप इसको रोल करें उठाएं तो वो फटे ना।
बिल्कुल सही है, सही ये दोनों तरफ से पक जाएगी। अच्छा अंदर गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर, अंदर मेल्ट हो जाएगा, अंदर गुड़ मेल्ट हो जाएगा। इसको बीच पे हम लोग जो है ना काटेंगे और सिर्फ मक्खन अंदर डालेंगे। अच्छा मक्खन अंदर डलेगा इसके, अंदर जाएगा इसके। ओके अच्छा, वैसे नाश्ते में ही खाई जाती है वैसे? आप ये स्पैचुला ले लें, बड़ा वाला ये रहा, ये सीटल हो, टोंग भी है हमारे पास। ओके क्या जबरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है इसका। अच्छा ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सी भी होगी। हाँ बिल्कुल क्रिस्पी है और इसका थोड़ा ऑयल जो है इसमें साइडों से, साइडों से, ताकि सेकंड साइड भी इसकी ऐसे ही क्रिस्पी और कलर आ जाए ना। हाँ। सही, ज्यादा नहीं हल्का। अच्छा जी ये तो बहुत जबरदस्त है, इससे हम कहते हैं कि हम मीठा पराठा भी कह सकते हैं इसको। मीठा पराठा इसका नाम खराब हो जाएगा ना, मीठा नहीं, उसको मीठा पराठा भी जैसे बच्चों को खिलाएं कि बेटा मीठा पराठा खा लो। प्लेट प्लीज। जी ये लीजिए। जब मक्खन हम निकालने के बाद डालेंगे, अब इसको मुंह से शॉर्ट करेंगे तो उसको फिर। अच्छा जी ये आ गया है, इसको हम थोड़ा यहां पे बल्कि इसको हम साइड में यहां पे फिर आ गया भाई, आ गया छुरी जो है मेरे सामने। आप चाहे इसको चार टुकड़े भी कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा तो बीच में से इसको कट लगा दें। अच्छा वाओ कट लगा दें, ठीक है। और फिर आप ये तो खोलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा आपने फोर्क की मदद से इसको खोल दिया, ठीक है। वाह अच्छा कितना देखें मक्खन भी, वो अंदर गुड़ भी जो है वो मेल्ट हो गया है, गुड़ मेल्ट हो गया बिल्कुल सही। इसी तरह आपने इसमें डालना है मक्खन, अरे वाह इसे कहते हैं एक्चुअल बुसरी में मक्खन। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका नाम जो है हम कोई और नहीं ले सकते, मीठी रोटी या मीठा पराठा नहीं, ये सिर्फ बुसरी में मक्खन ही है, यही इसकी खूबसूरती है और यही एक्चुअल डिश और रेसिपी है जी। अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको शिकारपुरी कढ़ाई की प्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और रिवायतों की लज्जत में बन रही थी बुसरी में मक्खन, जो कि ऑलरेडी रेडी है आपके सामने, डिश आउट भी हो चुकी है और अब बारी है शिकारपुरी कढ़ाई की। तो आप जरा एक दफा शक्ल दिखा दें शिकारपुरी कढ़ाई की। वाओ ये देखें शिकारपुरी कढ़ाई कितनी मजे की लग रही है, इसमें क्रीम डाल के आखिर में आपने चूल्हा बंद कर दिया था, खुशबू भी आ रही थी। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा इसकी सर्विंग भी देखें, हम कढ़ाई में कर रहे हैं कि इसका देखें अलग लुक आता है, सर्विंग भी जो है ना वो एक प्लेटर्स वो बहुत ज़रूरी है उसकी एक्चुअल सही चॉइस करना। ये साबुत हरी मिर्ची है इसके अंदर, तो वो भी कोशिश करें अगर आप साबुत हरी मिर्ची को अगर इसमें अचार जो है ना बीच में भर ले और ऊपर से रख ले, तो नॉर्मल अचार जो मसाला अचार का, मसाला अचार का वही पाउडर नहीं, आप प्योर अचार की बात कर रहे हैं? नहीं पाउडर, अच्छा अचार का पाउडर जो होता है, अच्छा वो भर पैक लगा के बीच में से, अच्छा वो भर लें, अब भर लें और ऊपर से रख लें दम के टाइम पे, तो उसमें और अच्छी खुशबू आ जाएगी, अच्छी खुशबू उसके अंदर आएगी। जब तक हम कर रहे हैं शिकारपुरी कढ़ाई को गार्निश, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। शिकारपुरी कढ़ाई, अज्जा मुर्गी का गोश्त आधा किलो, तेल 200 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच, टमाटर 250 ग्राम, मेथी दाना एक चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसी सौंफ एक चाय का चम्मच, कुटा धनिया दो चाय के चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, हरी मिर्च 3-4 अदद, दही आधा कप, बालाई दो खाने के चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच। तरकीब, पैन में तेल गरम कर लें और इसमें मुर्गी का गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर डालकर कुछ देर पकाएं, फिर इसमें मेथी दाना, पिसी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, पिसी सौंफ, कलौंजी, कुटा धनिया और नमक शामिल करें, दरमियानी आंच पर पकाएं, तेल छोड़ने पर दही बलाई शामिल करके थोड़ा भून लें, कढ़ाई तैयार है। बुसरी में मक्खन,
अज्जा आटा 250 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, गुड़ 250 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम। तरकीब, आम रोटी की तरह दो रोटी बेल लें, फिर एक रोटी में गुड़ रख कर दूसरी रोटी से ढक दें और तेल में पका लें। तैयार होने पर इसमें मक्खन डालें। बुसरी तैयार है। जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी कार्ड जो है वो आप नोट कर चुके होंगे, क्योंकि शिकारपुरी कढ़ाई की ऐसी रेसिपी आपको जो है वो आसानी से कहीं नहीं मिलेगी। और स्पेशली बुसरी में मक्खन आप देख सकते हैं, इसकी जो इतनी मज़े की जो मेल्टेड इसका गुड़ है और मक्खन की क्या खुशबू आ रही है, ये आप घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर घर में आपके सबको पसंद आएगी। और शिकारपुरी कढ़ाई भी आपके सामने जो है वो हमने प्रेजेंट कर दी है, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और साथ ही मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जमाली साहब को, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि सिर्फ यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता, हम आपको दोबारा बुलाएंगे और अच्छा, और भी मजेदार रेसिपी आपसे सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। अगर गुड़ आपको न मिले, अगर मक्खन न मिले, तो आप इसके अंदर देसी घी और शहद डाल सकते हैं। अरे अच्छा, आप उसमें शहद डाल के वैसे ही आप उसको सेक लें और फिर आप उसके ऊपर देसी घी डाल, और देसी घी डालें। क्या बात है, देसी खानों की, कहते हैं हमारे देसी खानों की जो रिवायती हमारे खाने हैं उनकी सौगात और उनकी लज्जत ही अलग है, क्योंकि देसी घी शामिल होता है जी, उसमें मक्खन होता है, गुड़ होता है, तो क्यों ना टेस्ट आए। थैंक यू सो मच एक और आपकी टिप के लिए जमाली साहब, हम फिर आपको जहमत देंगे कि आप हमें आके मजीद सिंह की और कोई सौगात सिखाएं। और इसी के साथ ही आज का शो होता है ख़त्म, आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ कि दोबारा मिलेंगे आपसे मज़ेदार सी लज्जत भरी जो है रिवायतों की रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।